नीलिमा जी के तीन पुत्र थे। इन तीनों पर नीलिमा जी को बहुत प्रेम था। उनके पास एक हीरा भी था। उनके दादाजी से यह उन्हें उत्तराधिकार में मिला था। उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। हीरे को रखने के लिए उन्होंने एक बड़ी मजबूत तिजोरी बनवाई थी। उसमें एक लोहे की पेटी थी। उस पेटी में एक ताले वाली डिबिया थी और डिबिया में एक मखमल की गद्दी थी जिस पर हीरा रखा रहता था। जितना ध्यान नीलिमा जी अपने तीनों पुत्रों का रखती थी, उतना ही ध्यान वे हीरे का भी रखती थी। हीरे के आराम के लिए जिस प्रकार उन्होंने मजबूत तिजोरी बनवाई थी, उसी प्रकार पुत्रों को भी उन्होंने उनके मनपसंद वाहन दिए थे। सबसे बड़े राजन को विदेशी कार दी थी। दूसरे क्रम वाले सुरेन जीप गाड़ी चलाते थे। तीसरे पुत्र धीरेन को मोटरसाइकिल का शौक था। नीलिमा जी के सभी पुत्र बहुत शौकीन थे। कोई सिनेमा का शौकीन था, कोई घूमने का, और किसी को महंगे कपड़े पहनने की धुन लगी रहती थी। तीनों पुत्र नीलिमा जी से बारंबार रुपए मांगते रहते थे। एक महीने की रकम वे 4 दिनों में ही उड़ा देते थे। फिर कर्जा करते, नीलिमा जी से और रुपए मांगते। नीलिमा जी गुस्से होती, लेकिन आखिर पुत्र उन्हें प्रिय तो थे ही। वे जानती थी कि यदि वे पर्याप्त रुपए नहीं देंगी तो वे चोरी का मार्ग पकड़ लेंगे। लेकिन आखिर एक दिन चोरी हो ही गई। उस दिन बहुत सवेरे नीलिमा जी जाग गई और उन्होंने देखा कि तिजोरी खुली है। उसके अंदर की फौलादी पेटी का ताला टूटा हुआ है। डिबिया के ताले में भी तिराड़ है और अंदर से हीरा भी गुम हो गया है। रात में किसी ने हीरा चुरा लिया था। नीलिमा जी ने घर के नौकर व पुत्रों को इकट्ठा किया और उनसे हीरे के बारे में पूछा। लेकिन 10 लाख के हीरे की चोरी करने वाला आसानी से कबूल करेगा कि उसने चोरी की है? मुश्किल था। नीलिमा जी ने पुलिस स्टेशन फोन किया और कहा, मेरे घर 10 लाख के हीरे की चोरी हो गई है। पुलिस नीलिमा जी के बंगले पर पहुंच गई। पुलिस को नीलिमा जी ने उनके पुत्रों व नौकर का परिचय दिया। यह भी कहा कि पुत्र रुपए बहुत उड़ाते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने नीलिमा जी का शयन खंड देखा। उन्होंने पूरी रात दरवाजा बंद रखा था, इसलिए चोर खिड़की में से ही घुसा होगा। बाहर निकलकर पुलिस खिड़की के नीचे पहुंची। वहां पेड़ पौधे लगाए हुए थे। मिट्टी में पैरों के 2 निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे चोर के कदमों के निशान होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि दूसरा अन्य कोई और उस तरफ फटका होगा। उन कदमों को पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा। दाएं पैर की छाप में बूट के पंजे के ठीक बीच में एक छोटी मिट्टी की डली जैसी लग रही थी। उस कदम को देखकर पुलिस ने नीलिमा जी से पूछा, नीलिमा जी, आपके सभी पुत्र बूट एक जैसे ही पहनते हैं? नीलिमा जी ने कहा, जी हाँ, मेरे सभी पुत्र एक जैसे ही बूट पहनते हैं। लेकिन आप बूट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस बूट से ही हमने चोर का पता लगा लिया है। आपके हीरो का चोर आपका ही एक पुत्र है और उसका नाम धीरेन है। नीलिमा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि धीरेन ही हीरा चोर है? पुलिस ने कहा,
आपके कमरे की खिड़की के नीचे जो कदम दिखाई दे रहे हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर हमें चोर के बारे में मालूम हो गया है। उन कदमों में दाएं बूट का पंजा अलग प्रकार का है, उसके ठीक बीच में मिट्टी की डली उभरी हुई है। उसका अर्थ है कि बूट में गड्ढा है। मोटरसाइकिल में कीक लगाते समय बूट के घिसने से ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। आपके सभी पुत्रों में धीरेन को मोटरसाइकिल चलाने का शौक है। धीरेन को पकड़कर जब धमकाया गया तो उसने सही बात बता दी। चोरी उसने ही की थी। अपने मित्र से उसने काफी रुपए उधार ले लिए थे। उन्हें लौटाने के लिए धीरेन ने हीरे की चोरी की थी।